देख रहे हैं प्राइम मेगा न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त खबर चैनल पर मुजफ्फरनगर से आज, जहां पर एक रेस्टोरेंट में भाजपा के कांग्रेस पार्टी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। जनता मुजफ्फरनगर के एक रेस्टोरेंट पर कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय नेता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उनका मैं पूर्ण लगन निष्ठा से पालन करूंगा और पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। जनता मुजफ्फरनगर में गांव, देहात, शहर के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर बात कर संतुष्ट कर उन्हें संगठन से जोड़कर सबको साथ लेकर चलूंगा। सुबोध जी, नई जिम्मेदारी मिली कांग्रेस से जिलाध्यक्ष की, किस तरह निभाएंगे? क्योंकि पार्टी में दो फाड़ है, लोग जगह जगह मतलब विरोध भी हो जाता है आपस में सार्वजनिक। जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, ऐसा इस शहर का या जनपद का कोई कार्यकर्ता नहीं, पर्सनली जिससे मिलने के लिए मैं घर पर ना गया और उससे बात ना की। अगर कोई कार्यकर्ता घर पर नहीं है, जिले का, जनपद का या शहर का, मेरी टेलीफोनिक वार्ता उनसे कई बार हुई और मैंने ये प्रयास किया है कि सब लोग एकजुट हों और एक साथ आकर संगठन का कार्य करें। पार्टी देखिए किसी एक आदमी की नहीं होती, पार्टी जिलाध्यक्ष की नहीं होती, पार्टी सब लोगों की होती है, सब कार्यकर्ताओं की होती है और जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका सहयोग लेकर, सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर हम पार्टी का संगठन मजबूत करें। आने वाले जिला पंचायत चुनाव क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस के मुजफ्फरनगर? देखिए ये तो हाईकमान के ऊपर है, जो भी निर्देश वहाँ से हमें आएगा वो सिंबल पर लड़ाते हैं, बिना सिंबल पर लड़ाते हैं, सहयोग देकर लड़ाते हैं। हमें मतलब चुनाव करना है, जो भी पार्टी हाईकमान हमें निर्देश करेगी हम चुनाव लड़ाएंगे उसी तरीके से और अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेंगे, जी तोड़ उसके साथ मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, जो भी हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे सहयोग से तो या सिंबल से तो पूरा उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ पता लगा कि आप जन जागरण गांव देहात में चलाएंगे, क्या है? जी, अभी ये जन जागरण जो है 26 जनवरी के लिए जो किसानों ने निर्णय लिया है, किस जो किसान अभी एमपी साहब ने बताया, मैं भी बता रहा था, जो लाखों किसान हमारा वहां पे पड़ा है और वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई अपनी नहीं पूरे देश की लड़ रहा है और अब एक किस्म से ये जन आंदोलन हो गया करीब करीब, जो है वो सभी की लड़ाई लड़ रहा है। जो भी 26 तारीख में वो निर्णय लेंगे, जो किसानों की का आदेश होगा, उनके संगठनों का आदेश होगा, पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देगी और उनके किसी निर्णय में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।